राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और मैं आज बनाने जा रही हूँ राजस्थान की ट्रेडिशनल तरीके से जो है दाल बाटी, और बहुत मतलब राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध होती है दाल बाटी, और मैं आज वो बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने ली है 4 तरह की दाल, इसमें उड़द की दाल मैंने नहीं डाली क्योंकि आज सैटरडे है तो उड़द की दाल मैं नहीं डालूंगी। और मैंने लिया ये तुर दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल और ये चने की दाल, मैं चारों को मिक्स करके इनको बनाऊंगी। और मैं इनको वॉश करके और इनको जो है थोड़ा 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दूंगी। इतने मैं अपना और दूसरा काम करूंगी, ये दिखाऊंगी मैं इतने अपनी और मैं आपको खिलाऊंगी आज दाल बाटी। गुड मॉर्निंग मम्मा, क्यों गर्मा गर्मी कर रही हो? सुबह सुबह ना हमारे घर में थोड़ा शोर मचना शुरू हो जाता है और अंदर पापा ने टीवी चला लिया, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पापा ने चला लिया टीवी। गर्मा गर्मी कुछ नहीं है, जब सब घर में रहते हैं तो सब बोलते रहते बराबर, और मेरे साथ ही तो आजकल ज्यादा ही बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे यही हो रहा है बिल्कुल, आवाज भी तेज हो गई है, 10 लोग साथ में बात करेंगे तो कैसे होगा। मैं साथी बोलती हम जो बोलते रहते हैं, बाकी भी सब बोलने लग जाते हैं। और ये हमारी जो है दाल, अब आ जाते हैं काम की तरफ, जो हमारा काम चल रहा है वो जारी रहना चाहिए, बातें बाद में। और ये हमारी दाल जो है मतलब फूल के तैयार हो चुकी है, और देखो कलर कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन और ये मिलके मिक्स कलर कितना प्यारा लग रहा है दाल का। और नमक और हल्दी पड़ेगी, मसाला पड़ेगा बाद में पड़ेगा मसाला। मैं बता रही थी ना मेरी बेटी चिड़िया की तरह, कुछ आओ या मत आओ उन्हें बोलने से मतलब होता है। और लगा के बनने लग देती हूँ। बना सकते हैं और मैं बिल्कुल डिलीशियस बना के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर सुपर, और बिल्कुल कुरकुरे भी बना के दिखाऊंगी। अभी मैं फिलहाल दाल बनाती हूँ और थोड़ा ढक देंगे इसको और थोड़ा और सॉफ्ट करूंगी अभी टमाटर, तब मैं इसको डालूंगी। और मेरा आटा रेस्ट कर चुका है, अब मैं बना लेती हूँ इतने अपने जो है बाटी बनाने जा रही हूँ। और ये देखो मेरा आटा जो है, अभी मैं थोड़ा इसको देखो कितना अच्छा हो चुका है, ये थोड़ा और मसल लूंगा। देखो घी भी निकल रहा है, ये देखिए आटे में से घी भी छोड़ रहा है आटा, मैंने इतना घी इसके अंदर डाला है। और बिना देसी घी तो बिना आटे मतलब बनेगी नहीं, फिर ये अच्छी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसमें तो बस जितना घी डालें उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है मसाले का। और इस रेसिपी में काम बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ी लंबी हो जाएगी रेसिपी। सारा मसाला इतना रेड रेड आ रखा है इसके अंदर, हाँ ऐसे ज़्यादा दिखता है और इसमें थोड़ा कम दिखता है, पर हाँ बहुत रेड हो रहा है। और मैं डालूंगी इसमें उड़ली है, और ये कुछ मैं आपे पैन में बनाऊंगी और कुछ कढ़ाई में बना के आपको दो तरीके से मैं जो है दिखाऊंगी बना करके। और ये मैं इस तरीके से सारी अंदर से पोली पोली बना के मतलब जगह छोड़ूंगी मैं इसके अंदर, ताकि जो है ये अच्छे से सीख सकें। अब मैं ठोस नहीं बनाऊंगी इसको इतनी, देखिए ये देखिए इसके अंदर मैं जगह छोड़ूंगी और इसको बंद कर दूंगी। ये मैं इस तरीके से सारी जो है ये बना के रख लूंगी। और मेरा बेटा जब से राजस्थान गया है, वहाँ पे गया था तो तब से उसको जो है यही अच्छी लगने लगी और बोल रहा था कि बनाओ ये, और हमने यहीं पे यूपी में ही राजस्थान जो है बुला लिया है। मारो प्यार राजस्थान, मारो सुंदर राजस्थान, हमने यहीं यूपी में बुलाया राजस्थान। हमारा सिंगर राजस्थान। ये देखिए एक एक राजस्थान की मतलब रेसिपी और राजस्थान का रहना सहना, ये बहुत ही मतलब पहनावा भी मम्मा को बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान का पहनावा तो वास्तव में इतना अच्छा लगता है। मैं पलट रही हूं,
दोबारा से ढक दूंगी, साइड से भी कच्चा रह रहा है और अभी दोबारा से ढक रही हूँ मैं, और ये भी दोबारा से भी ढकूंगी मैं। ये देखिए इधर से भी थोड़े थोड़े सीखने लगे हैं अभी, लेकिन अभी और मैंने नारियल पानी पी लिया। और आप भी नारियल पानी जरूर लेते रहिए ताकि इम्यूनिटी बढ़ भी जाएगी, और नारियल पानी जो है खुश्की भी दूर कर रहा है आजकल, खुश्की बहुत सही है, और नारियल पानी जरूर पीजिए। माँ नारियल पानी पी रही हैं, वो फिर दोबारा जाके पलटेंगी, जब तक वो बन रहा है। आ गई थी सब्जी मंडी और सारा फ्रूट्स और टमाटर वगैरह उठा के ले आए, नारियल पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मम्मी थोड़ी बीमार होके चुकी हैं, तो फिर वो सब उनके लिए लेकर आए हैं, और आमी क्योंकि हम पुदीने और आमी की चटनी खाएंगे अब गर्मी में। और आप भी जो है इस तरीके से लाएं, मंडी जाएं, कई दिन का जो सामान लेके आ जाते हैं साथ लेकर आओ, 2-3 दिन का, क्योंकि बार बार डेली बाहर जाना सही नहीं है, और अच्छे से 2-3 बार वॉश करो और सुखाने के लिए रख दो, अभी फ्रिज और बाकी चीज़ों में रखना है, और इसको अभी पूरा दिन रखा जाएगा फिर कल यूज़ किया जाएगा। देखो मैं तैयार है ये दाल बाटी, और मैं इनको बिना घी तो मज़ा तो घी में है इसके साथ में, ये देखिए ये है हमारी बाटियाँ, ये जो है घी में नाम डाल के इसको रख दूंगी मैं। कितनी कुरकुरी करारी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बनी है ये, और इसको गार्निश करके भी दिखाऊंगी आपको। ये है हमारी दाल, और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी दाल, तरफ से इसको एक हम अपना एक नया टेस्ट बना रही हूँ इसमें, बिल्कुल बिल्कुल ना, ये कुछ दही, ऐसी रेसिपी बहुत ही प्यारी रेसिपी मैं अपनी तरफ से जो है दही और जो सॉस ऐड कर रही हूँ, और आप खा के देखना, दाल और बाटी आपने खाई होंगी लेकिन आप जो है ये दही और सॉस मिला के ऐड करके आप जो है देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, ये देखिए आप कितना प्यारा लुक आया है, आप खाकर देख सकते हैं, और मैंने बोला कि आपके लिए बनाया तो आप आ सकते हैं खाने। खाइए बताइए कैसा टेस्ट है, खा के देखिए आप। तो ये कंप्लीट रेसिपी मम्मा की तैयार है, और आप आइए प्लीज़ खाइए और बताइए कैसा टेस्ट लगा है आपको। खाने के बाद मैं खुद ही ट्राई करूंगी कि कैसा लग रहा है, ये पर टेस्ट करूंगी, और मैं एक ही खाऊंगी क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हुआ है, इसमें घी काफ़ी पड़ता है और इसमें चिकनाई ज़्यादा हो जाएगी, और मैं खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। बहुत सुपर टेस्ट, कैसा, बहुत ही जो मतलब सुपर, मतलब मेरा जो भाई है वो बहुत ही टेस्टी बना है, और आप भी बनाइए खाइए, बस बयान नहीं कर सकती मैं कि कितना टेस्टी, आप खा के बताइए ना कैसा बनाया। हम बनाएंगे, हमें तो अपना टेस्ट पता ही है, पर आप खाइए बनाइए। ये तो एक मतलब एक एंजॉय वाली बात है, लेकिन वास्तव में बहुत ही टेस्टी खाना बना है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं क्योंकि मम्मी ने तो टेस्ट कर लिया, अब हम बच्चे हैं खाने के लिए, अब हम भी खाने जा रहे हैं।